नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या झारखंड में जेएसएससी सीजीएल वाले में उम्र सीमा जो था 2019 में जो लोग फॉर्म भरे थे, क्या उनको मौका मिल जाएगा? इसे लेकर अभी तक कैबिनेट की ओर से और सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन 19 जनवरी को एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में कई वैकेंसी पर मुहर लग जाएगी, जिसमें सबसे पहला वैकेंसी टीचर वाला होगा, जो 24 से 26 हजार टीचर की बहाली आ रही है उस पर मुहर लगेगी। हालांकि सीधी काउंसिलिंग होगा या सुपर टेट परीक्षा होगा, इसे लेकर स्टूडेंट में भी दो गुट बन गए हैं। एक का मानना है कि इतने दिनों के बाद वैकेंसी आ रही है तो सीधे तौर पर सीधी काउंसिलिंग हो जाना चाहिए, जबकि दूसरा जो गुट है उसका मानना है कि सीधी काउंसिलिंग होने से बहुत से स्टूडेंट जो जैक बोर्ड से पढ़ाई किए उनका नंबर कम आया है, इसके चलते वो छट जाएंगे और सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड वाले जो 10th और प्लस 2 वहां से कर रखे हैं उनको ज्यादा स्कोर हो जाएगा तो उनको लाभ मिल जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि सुपर टेट एक परीक्षा होनी चाहिए। सरकार भी यही चाहती होगी कि दो अलग अलग लोग बढ़ जाए और उनका काम आसान हो जाए, नौकरी देना नहीं पड़े। आज देर शाम को भी एक बैठक होने की सूचना है, जिसमें हालांकि कोविड गाइडलाइन को लेकर के किया जाएगा, लेकिन जेएसएससी सीजीएल पर क्या उम्र में छूट मिलेगा इसे लेकर के भी आज चर्चा हो सकती है। इस पर चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2019 में जिन लोगों ने फॉर्म भरा था वो बैठे बैठे बेरोजगार हो गए, उनकी उम्र सीमा समाप्त हो गई है। अब उनकी ये डिमांड है कि उनको कम से कम मौका तो मिलना चाहिए। स्टूडेंट नहीं चाहते कि मामले को न्यायालय में लेकर के जाएं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे सारे स्टूडेंट्स को घाटा होगा, लेकिन अंतिम विकल्प आखिर क्या बचता है? तो इसलिए अगर सरकार पहले ही फैसला ले लेती है तो हमें लगता है कि मामला को न्यायालय में ले जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने जैसा कल भी बताया था कि सारी वैकेंसी आ रही है, बहुत सी वैकेंसी इस सप्ताह रिलीज हो जाएगी, लेकिन उसमें बड़ा सवाल ये सामने आ जाता है कि क्या झारखंड में कोई डेयरिंग मंत्री है जो इस प्रकार से स्टेटमेंट, जैसे बिहार में एक स्टेटमेंट आया कि सारे टीचर की काउंसिलिंग शुरू कर दिया जाए, इसकी नियोजन प्रक्रिया को अंतिम रूप से सुचारू रूप से चलाया जाए और सभी लोगों की ज्वाइनिंग करवा दी जाए, और इसके लिए विभाग को एक बार की निर्देश वहां के शिक्षा मंत्री ने दे दिया है। झारखंड के शिक्षा मंत्री से भी यह आशा होगी कि वो एक डेडलाइन बता दें, उस डेडलाइन पर काम हो जाना चाहिए। अगर काम नहीं होता तो फिर जाहिर सी चीज है कि स्टूडेंट बोलते हैं, और सरकार संभवतः इसी कारण से डेडलाइन बताना भी नहीं चाहती। तो चलिए जेएसएससी सीजीएल की उम्र पर बात कर रहे थे, और इस बार तमाम लोगों से ये अपील है कि वो सरकार के जो मंत्री हैं वहीं तक जाएं। हालांकि विपक्ष में जो रघुवर दास जी पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने जो फॉरेंसिक सहायक वाला जो वैकेंसी आया था उस पर उन्होंने सरकार को नसीहत दिया है, ट्वीट करके कहा है कि आप इसके मामले में देखिए और बहुत से स्टूडेंट को इसमें मौका मिलना चाहिए। इसी प्रकार से अगर सत्ता पक्ष के ही कुछ विधायक ट्वीट कर दे तो काफी अच्छा होगा। हमें लगता है कि सरकार तक सूचना भी जल्दी चली जाएगी, सरकार ईगो में मुद्दे को नहीं लेगी। कांग्रेस के विधायक इस पर बोले तो ज्यादा अच्छा है। अगर वो कंगना रनौत के गाल पर टिप्पणी कर देते हैं और फिर उनकी मिसेज के बारे भी कोई लोग फोन पर पूछ लेते हैं कि उनके गाल के बारे में क्या कहना है, तो इन चीजों को सोशल मीडिया में अच्छा खासा जगह मिलता है, न्यूज में भी जगह मिलता है, लेकिन बेरोजगारी पर कोई नहीं बोलना चाहता। इरफान अंसारी का ये लाइन कल देर शाम को वायरल हो गया कि वो झारखंड की सड़क को कंगना रनौत के गाल के जैसा बना देंगे, लेकिन रोजगार का क्या होगा? रोजगार किस मॉडल पर देंगे, किसके अनुसार सोचेंगे? ये भी तो झारखंड के जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों को जवाब तो देना पड़ेगा कि आप रोजगार मॉडल कहां से लाइएगा। प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार यहां पर नदारद है, वैकेंसी की सूचना आती है हर दिन, कोई ना कोई वैकेंसी का सूचना आ जाता है, वैकेंसी निकल भी जाती है, लेकिन इतनी उसमें लूपहोल्स बनाया जाता है कि लगता ऐसा है कि सरकार मतलब नौकरी की जब प्लानिंग करती होगी तो एक टीम ऐसे भी बनाती होगी कि ऐसे चीजों को लिखा जाए जिससे कि नौकरी फंस जाए। कभी सर्टिफिकेट वाला मामला आ जाता है, कभी उम्र वाला आ जाता है, कभी रिजर्वेशन वाला आ जाता है, कभी डोमिसाइल आ जाता है, और ऐसे करके सरकार एक हाथ से देती है दूसरे हाथ से छीन लेती है। इसलिए यहाँ के युवा अब ये सोचते हैं कि जब उनको मिल जाएगी तभी वो सोचेंगे मिल गया नौकरी, नहीं तो फिर पंचायत सचिव का हालत आप देख रहे होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद इतने दिनों तक इंतजार में,
और कुछ वैकेंसी को सरकार ने रद्द कर दिया, तो ये सारी चीजें झारखंड में ही हो सकती है कि सत्ता परिवर्तन होगा तो जो आज नौकरी में है वो कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये भी बोलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बिहार ने देखिए बीपीएससी का डेट अप्रैल में फिक्स कर दिया और ये बता दिया कि वो परीक्षा लेंगे। उन्होंने ये भी बता दिया कि संपूर्ण लॉकडाउन नहीं करेंगे, सारी चीजें चलती रहेंगी आईजीटी, क्योंकि ये बहुत बड़ा जानलेवा नहीं है। लेकिन झारखंड सरकार के पास नीति और नीतिगत निर्णय को लागू करवाने में भारी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पर मिली जुली सरकार है, प्रेशर पॉलिटिक्स से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये रोजगार को लेकर कितना होता है। हमें तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी होगा कि बाहर आकर के विधायकों को बोला जाता होगा, कांग्रेस के विधायकों को, कि आप जाकर के जो भी इच्छा बोल दीजिए, कैबिनेट में वही होगा जो हम चाहेंगे, और आपको अपने वोट बैंक को खुश रखना है, हमको दूसरे वोट बैंक को खुश रखना है, हम लोग दोनों को ही अपना अपना काम करते रहे। कुर्ता विषय के सिलेबस को लेकर के अब जब सिलेबस छोटा हो रहा है तो इसमें भी आपत्ति है। लोग अब ये बोल रहे कि बाहरी स्टूडेंट और बिहारी स्टूडेंट और यूपी वाले घुस जाएंगे, उनके लिए छोटा सिलेबस होगा तो आसान होगा। सिलेबस बड़ा था उसमें भी आपत्ति था, तो कुछ कुछ निर्णय तो झारखंड के स्टूडेंट्स की भी दिक्कत वाली होती है। आंदोलन आप करते हैं, सिलेबस छोटा करने के लिए आंदोलन आप लोग कर रहे थे, और जब छोटा हो रहा है सिलेबस तो फिर एक नया बवाल शुरू हो रहा है कि सिलेबस छोटा हो रहा है खोरथा का, तो इसके चलते दूसरे राज्य के स्टूडेंट को यहाँ आने का सीधे तौर पर मौका मिल जाएगा। ऐसी चीजों से हमें लगता है कि सरकार को बहुत आसानी होती है दिन पार करने में, 2 साल 3 साल 5 साल तक तो निकल ही जाएगा। आप लोग आपस में इसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, इसलिए बेहतर ये होगा कि सरकार जो नौकरी दे रही है फिलहाल उसे लीजिए, सरकार को छोड़िए कि वो नौकरी दे तो सही, कल को वो तो बोल नहीं पाएगी कि हमने तो नौकरी दिया था, आप ही लोग तो अड़ंगा डाल दिए। इसलिए आप सभी लोगों से गुजारिश होगा कि जहां बहुत आवश्यक नहीं हो वहां आंदोलन मत कीजिए, जहां बहुत जरूरी नहीं हो मामले को न्यायालय में लेकर मत जाइए। आपको फिलहाल सत्ता पक्ष से मिलकर के चलना, ये स्ट्रेटजी को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अब वो समय नहीं है। न्यायपालिका के पास केस का बोझ है, करोड़ों केस पेंडिंग है, ऐसे में फिर नया नया केस होता जाएगा तो सरकार के लिए अच्छी बात हो जाती। एक सोनी कुमारी का केस होने से कई लोगों के रोजगार पर संकट आया, आप देख रहे होंगे अभी तक है। अगर इसी प्रकार का एक रमेश हांसदा का केस हुआ है और इसी प्रकार के और केस होंगे तो हमें लगता है कि आगे समस्या और बढ़ती जाएगी। लेकिन स्टूडेंट बोलते हैं कि उनके पास विकल्प क्या, सरकार आवाज सुनती नहीं है, आंदोलन करते हैं तो FIR दर्ज करा देती है तो न्यायपालिका चले जाते हैं। हमारा सुझाव होगा कि आपको ये कोशिश करना है कि सत्ता पक्ष के विधायकों को ही पकड़िए एन केन प्रकारेन। अगर आप सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री को पकड़ते हैं, भले आपको थोड़ा सा वहां पर ईगो हट होगा, आपसे बात नहीं होगा, लेकिन बात और काम वहीं से होगा। जब पुरानी सरकार थी तो आज की सरकार का कोई काम नहीं होता था, जो उनके मन में आता था वो करते थे, और आज जब ये सरकार है तो आप कैसे सोच सकते हैं कि विपक्ष का कोई काम हो जाएगा। इसलिए जरूरी ये है कि आपकी ट्विनिंग गवर्नमेंट के विधायकों से हो, आपकी ट्विनिंग मंत्रियों के साथ हो, और उसके लिए कोशिश किया जाए। और जल्दबाजी में अगर आप विपक्ष, ठीक है विपक्ष की अपनी राजनीति है, उनकी अपनी सत्ता की प्राप्ति के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन युवाओं के लिए कौन वास्तविक लड़ाई लड़ेगा ये झारखंड में अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हर जगह पर कुछ ना कुछ राजनीति हो जाती है, इसलिए आप जहां कहीं भी रहते हो वहां के विधायक और मंत्रियों से सिर्फ बोले जा करके कि उनकी बात को जेन्यू रूप से सुना जाए। कि JSSC CGL में उन्होंने फॉर्म भरा था, सरकार ने बोला था इसलिए भरा था, थोड़े कोई पार्टी के कार्यकर्ता थे, और जब फॉर्म भर दिया तो फिर अब इस बार उनको क्यों हटाया जा रहा है, उसमें मामला फिर न्यायालय में जाएगा, सारे लोगों की नौकरी रुकेगी ऐसे में। तो ये जरूरी है इस समय झारखंड में रोजगार के रास्ते पे लाना, नहीं तो हमने बताया था कि तीसरे नंबर पर बेरोजगारी में झारखंड है। बहुत देर नहीं लगेगा हरियाणा और राजस्थान से आगे निकलने में, तो नंबर वन पे झारखंड बेरोजगारी में आ जाएगा। सारे एग्जाम अब टाइम से होंगे, कोरोना को लेकर JPSC अभी इस वक्त हमें लगता है कि किसी प्रकार का पोस्टपोन नहीं करेगी,
ना ही स्टे लगेगा, ज्यादा सेंटर जरूर बनाया जा रहा है, इसलिए आप लोगों को तैयारी में लगे रहना है और इंतजार करना है कि आज देर शाम को क्या कुछ अच्छी खबर आ जाती है। 19 तारीख को भी एक बैठक हो रहा है, बाकी राजनीति की चीजें होती हैं, जो काम की चीजें होती हैं उतना हम बता देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।